नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमनदीप और हिमाचल फेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 28 दिसंबर। उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे, पढ़ रहे होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अब बहुत सारी भर्तियां निकल रही है और बहुत सारे एग्जाम्स भी कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको पढ़ते रहना है और हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि रोजाना आपको हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने किस जगह फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया है? तो इसका सही जवाब है जिला शिमला के ठियोग स्थित पराला में। दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जिला शिमला के ठियोग के पराला में एक फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। यह फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट हिमाचल प्रदेश की सरकारी कंपनी HPMC द्वारा बनाया गया है, जिसमें तकरीबन 100 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट में HPMC कंपनी फ्रेश एप्पल जूस, जैम, स्क्वैश, वाइन, एप्पल विनेगर तैयार करेगी, जिससे हिमाचल प्रदेश के बागवानों को फायदा मिलेगा। दोस्तों अगर बात की जाए HPMC की, तो इसकी फुल फॉर्म है हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन, जो कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की एक अंडरटेकिंग कंपनी है। दोस्तों इस कंपनी को 10 जून 1974 को एस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने हिमाचल प्रदेश सरकार की मदद की थी। दोस्तों इस कंपनी का मेन उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के बागवानों को पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है, ताकि हिमाचल प्रदेश के बागवानों को उनके फलों को बेचने के लिए बेहतर सुविधा और बेहतर प्राइसेस मिल सके। दोस्तों HPMC के फूड प्रोसेसिंग प्लांट में हर प्रकार के सरप्लस फ्रूट को प्रोसेस किया जाता है और उससे कई तरह के प्रोडक्ट्स जैसे कि जूस, फ्रूट ड्रिंक्स, विनेगर और जैम्स जैसे प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। इससे पहले HPMC के 2 फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट थे, एक है परमाणु में और दूसरा है सुंदरनगर के जरोल में। अब इसके बाद एक नया फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के ठियोग स्थित पराला में स्थापित किया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो कि है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश की किस झील में कछुओं की 5 प्रजातियां पाई गई है? तो इसका सही जवाब है श्री रेणुका जी झील में। दोस्तों श्री रेणुका जी वेटलैंड में कछुओं की 5 प्रजातियां पाई गई है, जहां यह कछुओं की प्रजातियां प्राकृतिक रूप से रहती है। इन कछुओं को श्री रेणुका जी झील और परशुराम ताल में विचरण करते अक्सर देखा जा सकता है। गर्मी और बरसात में यह कछुए बिल्कुल नजदीक दिखाई देते हैं, जो कि जहां पर आने वाले पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। वन्य प्राणी विभाग की माने तो जहां पर कछुओं की और भी प्रजातियां हो सकती है, वे जहां पर इनकी संख्या बढ़ाने पर अध्ययन कर रहे हैं। बताया जाता है कि कछुओं का पर्यावरण संरक्षण में एक विशेष महत्व है, जो पानी को स्वच्छ रखने में सहायता करते हैं, परंतु प्राकृतिक रूप से केवल हिमाचल प्रदेश की रेणुका जी झील में कछुए पाए जाते हैं। बाकी स्थानों पर अंडों की मदद से इन्हें विकसित करवाने की प्रयास किए जा रहे हैं। अगर बात की जाए जहां पर पाई जाने वाली 5 प्रजातियों की, तो दोस्तों उनमें सबसे पहले है इंडियन सॉफ्ट शेल, दूसरा है इंडियन ब्लैक, तीसरा है इंडियन फ्लैप शेल और चौथा है इंडियन रूफ्ड और पांचवा है रेड ईयर्ड स्लाइडर। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश की श्री रेणुका जी झील जिला सिरमौर में स्थित है, जहां पर माता रेणुका जी और भगवान परशुराम जी का एक भव्य मंदिर भी है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने किस जगह 12 दिन चलने वाला विंटर कार्निवल का शुभारंभ किया? तो इसका सही जवाब है जिला शिमला के रिज मैदान पर। दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पहली बार शिमला में विंटर कार्निवल का शुभारंभ किया। शिमला का विंटर कार्निवल शिमला के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट है, क्योंकि इससे हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। असल में देखा जाए इस विंटर कार्निवल का मुख्य उद्देश्य ही हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म एक्टिविटीज को बूस्ट करना है। 12 दिन चलने वाले इस फेस्टिवल का शुभ आरंभ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने सोमवार को किया था, जिसकी शुरुआत एक कल्चरल परेड और महानाटी के साथ की गई, जिसमें लगभग
450 महिलाओं ने इकट्ठे परफॉर्म किया। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।